नमस्कार दोस्तों, विनय सर 100 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज आपको इंसर्ट टेप के अंदर स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्मार्ट ऑप्शन में लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल और हायरार्की के बारे में बताया था, किस प्रकार से हम मैक्सवेल वर्ड में यूज करते हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो में रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। तो रिलेशनशिप में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार के रिलेशनशिप ओपन हो जाते हैं। इसमें से आप कोई सा रिलेशनशिप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेडियल लिस्ट वाला रिलेशनशिप ओके कर लेता हूँ। और हम जान लेते हैं रिलेशनशिप को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध। तो संबंध का एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे माता का उनकी माँ, जैसे कोई माँ है तो उसका संबंध क्या होगा, अपने बेटों से होगा, ठीक है, और अपने डॉटर से होगा, क्लियर। तो ऐसे पिताजी का अपने बच्चों से संबंध होगा। तो इसके संबंध के बारे में बताना है कि कैसा रिलेशनशिप होता है। तो एग्जाम्पल इन्हें ये डायग्राम क्लिक कर लिया, इसमें टैक्स वन, टैक्स टू, टैक्स थ्री आ रहे हैं और हर टैक्स के सामने डबल डबल टैक्स आ रहे हैं। तो इन टैक्सों के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक पिक्चर का ऑप्शन है, इसी पे क्लिक करेंगे, पॉइंटर पे क्लिक कर देंगे, पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कोयल की पिक्चर ले ले रहा हूँ, ओके इंसर्ट करा। सपोज डेट ये मान लेते हैं ये इनके फादर हैं, जैसे टैक्स टैक्स वन, टैक्स टू, टैक्स थ्री के फादर हैं। तो फादर में है तो ये टैक्स वन की जगह लिख दें मोहन, मोहन मैंने लिख दिया। और यहाँ पे लिख दिया संदीप, और यहाँ पे लिख दिया एक लड़की का नाम प्रीति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मोहन के पिताजी हैं, ये संदीप के पिताजी हैं, प्रीति के पिताजी, ये इन तीनों के क्या हैं, पिताजी हैं ये, और ये क्या इनके बच्चे हैं, मोहन इसका मोहन बेटा है, इसका संदीप भी इसका बेटा है। तो इनके क्या तीन दो बेटे हैं, एक लड़की है, क्लियर, समझ गए, एक बेटी है। यहाँ पे मोहन के सामने टैक्स बना रहा है, तो मोहन के भी दो बच्चे हैं, एक का नाम है संदीप, संदीप तो हो गया, रोहित डाल देता, रोहित, और एक का नाम है मोहित। तो इसके मोहन के दो लड़के हैं, एक का नाम है रोहित, दूसरे का नाम मोहित, संदीप, संदीप की दो लड़कियां हैं, एक का नाम है शीतल, एक का नाम है परी, क्लियर। अब जो प्रीति है, प्रीति की भी, प्रीति के एक लड़का एक लड़की है, लड़के का नाम है संजू और लड़की का नाम है रिया, क्लियर। तो यहां पर हम कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कोयल्स है, कोयल्स के जो तीन बच्चे हैं, एक का नाम है मोहन और दूसरा नाम संदीप और तीसरा नाम है प्रीति। तो तीन बच्चे हैं, इसमें से दो लड़के हैं और एक लड़की है। अब मोहन, मोहन के भी दो बच्चे हैं, एक का नाम है रोहित, दूसरा नाम मोहित। संदीप के भी दो बच्चे हैं, उसमें से एक दो लड़कियाँ हैं, शीतल, परी, प्रीति और प्रीति। प्रीति के भी दो बच्चे हैं, एक है संजू, एक है रिया, क्लियर कंसेप्ट। अब इनों का संबंध समझ लेते हैं। रोहित और मोहन किसके बेटे हैं, मोहन के, ठीक है। तो तुम रोहित का संबंध प्रीति से क्या है, आप जानते हो कि रोहित का प्रीति से क्या संबंध होगा, बुआ का। प्रीति किसकी बुआ है, रोहित की बुआ है, ठीक है, और रोहित की बुआ कौन है, प्रीति है। अब संजू और रिया, ठीक है, तो संजू और रिया, अब संजू, संजू के मामा कौन है, संजू के मामा कौन है, मोहन है और संदीप है, क्लियर, तो समझ चुके हैं। और रिया के मामा कौन है, संदीप और मोहन है। अगर मान लेते हैं शीतल, शीतल की बुआ कौन है, प्रीति है। तो इसका संबंध आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्या था, इन दोनों का संबंध है, इन सभी का। तो एक एक दूसरे से किसी का संबंध आ रहा है, तो रिलेशनशिप के माध्यम से संबंध समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कलर्स आ रहा है, चेंज कलर के बाद हम कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करा, कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर कुछ स्टाइलिज आ रहे हैं, स्टाइल भी हम चूज कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट स्टाइल क्लिक करके आपको जो सा बेटर लगे स्टाइल उस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर स्टाइल बहुत सारे हैं, ठीक है, जो सा आपको स्टाइल बेटर लगे वो क्लिक कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट करके ये जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है।
और अगर मुझे नहीं पता पड़ेगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, तो ज़रूर पता है कि वीडियो कैसी लगी, जो गलतियाँ और गलतियों के बारे में बताइए, तो मैं अगली वीडियो में उन गलतियों को सुधार सकूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।